तो हमने आपको बताया भी था कि जैसे मोशन इन प्लेन, तो अगर हम पूरे टॉपिक की बात करें तो उसमें वेक्टर का भी कुछ पार्ट आ जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, कई चीज़ें आती हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग टाइप से ही, मतलब अलग अलग चैप्टर वाइज ही से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने मोशन इन प्लेन नाम से एक चैप्टर ऐसा बना दिया था, और इसमें हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के बस क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया भी था, और आपके यहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए, वो भी हम लोगों ने किया था। तो उसी में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। और इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में दी गई थी, और ये जो डायरेक्शन थी वो हमें पहले से पता थी। जैसे ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन दी गई थी, मूविंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है उसका यूनिट वेक्टर हमें पहले से पता था, तो हमने यहाँ पर उसका यूनिट वेक्टर लिखकर इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, और फिर उसके बाद जो एक्सलेशन था वो लिख लिया, और उसके बाद इक्वेशन लगा दी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें जरा देखते हैं क्या चेंज करके दिया गया। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन दोनों है एक ही जैसे, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखो, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी √3 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब की बार बस ये पॉइंट चेंज कर दिया गया। एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अप्लाइड टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद आपको उसकी वेलोसिटी बतानी। तो अब यहां पर √3 मीटर पर सेकेंड दिया गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, कितना, 30 डिग्री। इसे हमने कह दिया ईस्ट है, ये यहां पर नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हो गया साउथ। ठीक है, और √3 मीटर पर सेकेंड है 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ऐसे हमने यहां पर दिखा दिया, और ये वेलोसिटी कितनी है √3 मीटर पर सेकेंड, और ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ये जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, इतना आपको यहां पर दिया गया है। और जो एक्सलेशन है वो अप्लाई किया गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अप्लाइड टूवर्ड्स ईस्ट, और एक्सलेशन यहां पर अप्लाई किया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स ईस्ट। जैसे ये बॉडी है तो इस पर ये एक्सलेशन हो गया यहां पर, ये हो गया यहां पर ए, और ये है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां पर बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 2 सेकेंड। तो हमें फॉर्मूला तो पता है, वी बराबर यू प्लस एटी होता है। अब यू यहां पर लिखना है, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था इसमें तो हमें पता ही था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, तो हमने मैग्नीट्यूड लिया, यूनिट वेक्टर लिया, साथ में लिख दिया वेलोसिटी आगे। लेकिन यहां पर क्या आपको इस एंगल पर पता है यूनिट वेक्टर क्या होगा? नहीं पता है ना, इस एंगल पर हमें यूनिट वेक्टर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? कंपोनेंट, आपको बताया गया था ना ये क्वेश्चन में, जो मिसलेनियस प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन हमने कराया था कि अगर आपको नहीं पता है तो आप उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपको करना क्या है, आपको कंपोनेंट्स करने हैं। तो जैसे इसका इधर साइड में हम कंपोनेंट करेंगे, तो वो कंपोनेंट यहां पर हो जाएगा √3 cos 30। √3 cos 30 का मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो जब √3/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और ऐसे ही इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा √3 sin 30, और √3 sin 30 की वैल्यू 1/2, तो √3/2 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब अगर हमें ये दोनों वैल्यूज पता चल गई तो हम इनिशियल वेलोसिटी को बहुत आराम से लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, यू इज इक्वल टू, ये एक्स डायरेक्शन में है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, आई कैप। हमने कहा था कि जब आपको यहाँ पर अज्यूम करना होगा तो ईस्ट को आप आई कैप ले लेंगे और नॉर्थ को आप जे कैप लेंगे, इधर लेना होगा -i और -j, तो यहाँ पर 3/2 आई कैप, और इधर की तरफ क्या है √3/2 जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ऐसे ही हम एक्सलेशन लिखेंगे, तो एक्सलेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि हम लिखेंगे यहां पर 1 i कैप, तो 1 लिखने कोई मतलब है नहीं, बस i कैप लिख लेंगे। तो ठीक है, ये हो गया, तो दोनों चीजें आ गई। अब क्या बचा, v बराबर u प्लस at,
v इज इक्वल टू u प्लस at, वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पर v इज इक्वल टू u क्या है, 3 बाई टू आई कैप प्लस रूट 3 बाई टू j कैप एंड प्लस a i कैप, और जो t है वो कितना है 2। तो i वाली वैल्यूज एक साथ कर लेंगे, j अलग कर लेंगे, और उसके बाद आप यहां पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। नोट करो इतना पहले, नोट करें फिर अगले पेज पे करते हैं। आप आगे ट्राई भी कर सकते हैं, जैसे ये तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यहीं पर यहाँ पर ही लिख देते हैं अभी, 3 बाई टू और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 7 बाई टू ना, 7 बाई टू आई कैप, इन दोनों को ऐड कर दिया और ये अलग लिख दिया जे वाला, रूट 3 बाई टू। ठीक है, ये वी की वैल्यू आ गई। अब आपका वी का मैग्नीट्यूड आसानी से आ जाएगा, रूट वही ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। लेना आपने। तो आगे हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट क्या था यहां पर, 7 बाई टू और रूट 3 बाई टू। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 7 बाई टू टू द होल स्क्वायर और प्लस रूट 3 बाई टू टू द होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर यह आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 4 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो 52 डिवाइडेड बाय 4 रूट के अंदर, या फिर रूट 13 आ जाएगा मीटर पर। ठीक है, रूट 13 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर स्पीड आ जाएगी, और साथ में उसने एंगल भी आपसे पूछा है, और एंगल आपको किधर से पूछा गया है, विद एक्स एक्सिस पूछा गया। तो अगर एक्स से पूछा जाएगा तो हम एक्स कंपोनेंट को रखेंगे नीचे और बचे हुए का मैग्नीट्यूड ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर एंगल लिखेंगे विद एक्स एक्सिस, tan theta is equal to x component को नीचे मतलब 7 by 2 और बचे हुए का magnitude ऊपर मतलब root 3 divided by 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपान में 2 है, ये अपान में, तो ये दोनों एक ही जैसे हैं, cancel हो जाएंगे, और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा root 3 divided by 7। तो जो theta की value है वो आ जाएगी tan inverse root 3 divided by 7। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसमें x एक्सिस दिया नहीं गया था, ईस्ट दिया गया है ना, तो यहाँ पर ये जैसे लिख दिया गया x एक्सिस, तो x एक्सिस इसी को हम लेते हैं ईस्ट वाले को। ठीक है, तो कायदे में यहाँ पर विद ईस्ट लिखा जाना चाहिए था, चलिए वो कोई बात नहीं, वो तो आप इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ पर x एक्सिस जो है उसकी जगह क्या है ईस्ट। ठीक है, मतलब ये क्या है ईस्ट, विद ईस्ट। नोट कर लेना सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम एक आपको जैसे यहां पर करवा रहे हैं ऐसे तमाम सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक्स और वाई को आपको बस फंक्शन चेंज करके दिया जाएगा, तो आपको एक बता दे रहे हैं क्वेश्चन, आप तुरंत खुद ही समझ जाएंगे कि हमें करना क्या रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो एक्स दिया है और वाई आपको दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाई एक्स इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 25t एंड वाई इज इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 5, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 5 सेकंड। अब आप यहां का प्रोसीजर समझो कि जैसे ये क्वेश्चन जैसा फंक्शन दिया गया है उसके हिसाब से हमें यहां पर उसने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। प्रोसीजर देखेंगे तो हमें इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो पूरा कैलकुलस का पूरा कर चुके हैं ना एक असाइनमेंट,
उसमें तो हम हर तरह के क्वेश्चंस कर ही चुके हैं ऐसे वेरिएबल वाले, तो एक आपको बता दिया जा रहा है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर भी कंडीशन वही रहेगी कि आपको एस वी और ए यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सलेशन अगर दिया गया है, तो अगर आप इधर से इधर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन, इधर से इधर इंटीग्रेशन। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर अगर आपको एक्स वाई दिया गया है और वेलोसिटी और एक्सलेशन पूछा गया है तो आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और अगर यहाँ मान लिया वेलोसिटी दिया होता एक्सलेशन पूछा जाता, वेलोसिटी दिया होता एक्सलेशन पूछा था, तो भी डिफ्रेंसिएशन ही करते वेलोसिटी से एक्सलेशन निकालने के लिए। लेकिन अगर एक्सलेशन दिया होता वेलोसिटी पूछी जाती या वेलोसिटी दी जाती डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो इंटीग्रेशन। मतलब कुल मिला के वो तो काम हम कर ही सकते हैं। अब मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है वो देखना है कि जैसे जब हम कैलकुलस कर रहे थे तो वहां पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे उसमें आपको दो दो फंक्शन नहीं दिए गए थे, एक ही दिया जाता था, या तो x दिया गया है मतलब s दिया गया है, या v दिया गया है, या फिर आपको a दिया गया है। लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए, तो दो फंक्शन मतलब x एक्सिस और y एक्सिस में दिया गया है अलग अलग। तो आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम लोगों ने पीछे क्या देखा था कॉन्सेप्ट में, यहां से बताई देते हैं जैसे ये है। तो अगर आपको s निकालना होगा तो अगर आपको वेलोसिटी दी गई है, दो फंक्शन आपको वेलोसिटी के दे दिए गए, एक वी एक्स दे दिया गया और एक वी वाई, तो आप क्या करेंगे v से s निकालेंगे ना, तो v से यहां पर s का मतलब x निकलेगा और यहां से y निकलेगा। तो अगर v से आपको x निकालना है तो आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ना, और वैसे ही v से y निकालना है, vy से y निकालना है तो उसे भी इंटीग्रेट करेंगे। तो दो बार अलग अलग इंटीग्रेशन आपको करना रहेगा बस। और फिर आपको x और y मिल गया, फिर क्या करना है s निकालना है ना, यहां x रखना है यहां y रखना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंगल निकालना है, ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे ही आपको अगर वेलोसिटी दी गई है तो वेलोसिटी अगर दी गई है और वहां पर आपको एक्सलेशन निकालना है, या सपोज के लिए x और y दिया गया है आपको, x दिया गया और y जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो आपको x दिया गया और y दिया गया, तो आप क्या करेंगे x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx by dt करेंगे ना, तो वो आपको क्या देगा vx, और फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे वो आपको क्या दे देगा vy, और फिर यहां रख लेंगे और उसके बाद vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करके आप वेलोसिटी निकालेंगे। मतलब कुल मिला के आपको दोनों को अलग अलग निकालना है, x और y निकाल लो, अगर s पूछा गया है v पूछा गया है तो vx और vy निकाल लेंगे, और अगर a पूछा गया है तो ax और ay निकाल लेंगे, और उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको हम रिलेट कर देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग उस क्वेश्चन पर। तो अब जरा देखो यहां पर आपको x दिया गया है, तो हमने यहां पर लिखा x इज इक्वल टू क्या दिया गया है 4t स्क्वायर माइनस 25t, ठीक है। और ऐसे ही आपको y दिया गया है, y दिया गया है t क्यूब डिवाइडेड बाई 5। अब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे यहां पर vx इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई dt, और ये आ जाएगा यहां पर 8t माइनस 25, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएशन हम लोग कर ही चुके हैं। ऐसे ही यहां पर आप लिखेंगे vy, और vy क्या हो जाएगा dy by dt, और ये हो जाएगा 3t square divided by 5। ऐसे फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, तो एक बार और करेंगे तो हमें मिलेगा ax, तो ax is equal to dvx divided by dt, और यहां पर अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 8, क्योंकि 25 का 0 हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप यहां पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए वाई, और ए वाई हो जाएगा डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, और इसके बाद आप यहां पर रखेंगे वैल्यूज, तो ये जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले यहां पर रखेंगे 60 और डिवाइडेड बाई 5 डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है। तो हमें यहां पर दोनों चीजें पता चल गई ना, वी एक्स वी वाई ए एक्स ए वाई। अब उसने आपको एक टाइम दे रखा है, किस टाइम पर 5 सेकेंड पर, तो आपको यहां पर t इक्वल टू 5 पर निकालना है। तो जैसे सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है, उसने वेलोसिटी कहा है ना, तो वेलोसिटी हम निकालेंगे एट t इक्वल टू 5। तो एट t इज इक्वल टू 5 vx, आप देखो यहां पर 5 रखो तो क्या हो जाएगा 40 एंड माइनस 25 कितना 15, और ऐसे ही आप vy लिखो, vy क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर यानी कि 3 और 5 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आ जाएगा ये भी आ जाएगा 15 आ गया। अब आपको निकालना है वेलोसिटी,
तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स भी 15 है और ये भी 15 है, दैट मीन्स यहाँ क्या जाएगा 15 रूट 2। 15 दोनों में, 15 बाहर निकाल लो कॉमन लेकर, तो वो तो स्क्वायर के बाहर आएगा तो 15 बचेगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, रूट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 15 रूट 2 मीटर पर सेकेंड और एक्सलेशन ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, इसी तरह से तो आप पहले इतना नोट करो। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था नीट में। इसमें हम वेक्टर के फॉर्म में इसको लेकर नहीं आए, आप चाहें तो वेक्टर के फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन फायदा क्या, जब आपको उसने पहले ही अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग तुरंत डिफ्रेंशिएट करके उनको कंबाइंड कर लो जैसा मेथड आपको बताया। जो लोग लिख चुके हैं वो लोग एक्सलेशन निकाल के बताएं क्या होगा t = 5 पर, क्या आएगा 10। फिर इसी तरह से हम लोग लिखेंगे एक्सलेशन, तो एक्सलेशन यहां पर एट t इज इक्वल टू 5 ए एक्स की वैल्यू, तो यहां पर ए एक्स कितना है 8, तो इसमें तो t है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं, चाहे वो कुछ भी हो आपको रखना 8 ही है। और ए वाई की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है 60 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 6 और टी की जगह रखेंगे 5 एंड डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 6, तो दोनों वैल्यूज आ गई। एक्सलेशन लिख लो रूट ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए वाई स्क्वायर, रूट 64 प्लस 36 100 क्या जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये क्वेश्चन से प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह का AIEEE में भी पूछा गया है पहले, जैसे जेई मेंस वगैरह जो है उसमें पूछा गया और आपके यहाँ भी पूछा गया, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था सिमिलर। तो फंक्शन कुछ भी बदल दो यहाँ पर क्या उसमें होता है, आप यहाँ पर कोई भी चीज़ बदलेंगे तो ये फंक्शंस बदलेंगे, लेकिन करना तो प्रोसीजर तो वैसे ही है कि अगर आपसे वेलोसिटी पूछी गई, अब जरूरी नहीं कि दोनों चीज़ पूछी जाए, मान लिया वो पूछता वेलोसिटी और उसका एंगल एक्स एक्सिस से, ये पूछा जा सकता था, तो आप यहाँ पर वी एक्स वी वाई करते, उसके बाद आप क्या करते यहाँ पर, ये एक्सलेशन नहीं पूछा गया तो उसको मत करो यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर क्या करते हैं एट इज इक्वल टू 5 वी एक्स इतना है वी वाई इतना है, तो वी एक्स वी वाई दोनों बराबर आपको मिल रहे हैं, आप यहाँ से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जैसे निकाला गया। अब उसने एंगल पूछा है, एंगल उसने अगर एक्स एक्सिस से पूछा है तो एक्स कंपोनेंट नीचे, तो हम क्या करेंगे एक्स कंपोनेंट क्या है वी एक्स, तो उसको नीचे रखेंगे और जो दूसरा है उसका मैग्नीट्यूड ऊपर 15, तो 15 बाई 15 तो 1 ही रहेगा, और 1 रहेगा तो इसका मतलब एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो वो तो पीछे हम लोग एंगल वगैरह निकाल चुके हैं, तो सब कुछ वैसे ही है, बस इस क्वेश्चन में अंतर क्या था, इसमें उसने x और y कंपोनेंट अलग अलग आपको पहले से ही प्रोवाइड किए थे। यहाँ पर जो हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन ये सब कर रहे थे, तो इसमें क्या था, जैसे ये क्वेश्चन था इसमें भी तो x और y दिया गया, लेकिन इसमें उसने वेक्टर फॉर्म में ही पहले जैसे दिया हमने उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जब ऐसे दिया जाता है और अगर आप अलग अलग करते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, क्योंकि अलग अलग करने पर x वाला अलग आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, y वाला फिर अलग सॉल्व करते हैं और उसके बाद दोनों को कंबाइंड करते हैं, इसमें क्या होता है डायरेक्ट आ जाता है। तो अगर आपको इस तरह से दिया जाएगा तो जैसे बताया गया वैसे करो, और अगर आपको कभी भी अलग अलग दे दिया गया यहाँ पर x और y तो जैसे बताया गया वैसे करो। तो प्रोसीजर्स आप ध्यान रखो, क्योंकि जो इजी रहता है वही बताते हैं, अगर आप यहाँ पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते तो फालतू का ही तो काम होता, क्यों ऐसा करना, सीधे सीधे हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है 10 नंबर, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। फॉर एनी आर्बिटरी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू, इसमें से देखना है कौन सी रिलेशंस यहाँ पर ट्रू है। द एवरेज स्टैंड फॉर द एवरेज ऑफ द क्वांटिटीज ओवर द टाइम इंटरवल T1 to T2, तो यहाँ पर जैसे एवरेज टर्म यूज किया गया ना, तो उसका मतलब एवरेज से है कि उस टाइम इंटरवल में T1 से T2 के बीच में क्वांटिटी ओवर द टाइम इंटरवल T1 एंड T2। अब इसमें से आपको बताना सभी करेक्ट हैं, ओनली D इज करेक्ट, ओनली B एंड E आर करेक्ट, या ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट E या D जो भी लिखा हो एक्सेप्ट D। थर्ड, सबसे पहले तो हम लोग
ये जो लिखा हुआ है इसको देखें यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा इजी करते हैं। मतलब अभी ये जो है इसके जो सिंबल्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखे गए हैं, जो सिंबल्स यहाँ पर हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म उसका दिख रहा है, लेकिन ये पढ़ा हुआ हमारा सब कुछ है तो इसके थोड़ा इजी फॉर्म बनाते हैं। जैसे ये जो वी और टी वन लिखा गया है तो इसका मतलब वी इंटू टी वन तो नहीं है ना, वी एज अ फंक्शन ऑफ टी वन। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल दिया गया है वो आपको दिया गया है टी वन से टी टू, तो इसका मतलब ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, यही तो होता है ना। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे वेलोसिटी तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी, और वी एवरेज यानी कि जो पहले पार्ट में ए में दिया गया है वो वी एवरेज आपको दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, और वी वन जो है जो वी वन वी टी वन जो दिया गया वो एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी है टी वन, और जो बाद में दिया गया है वो क्या है फाइनल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाई। तो हम लोग पढ़ चुके ना वी एवरेज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू होता है। इसके बाद सेकेंड, सेकेंड देखें अगर तो ये वी नॉट दिया गया है, वी नॉट का मतलब यहां पर क्या हो गया इनिशियल से, ठीक है, और ये हो गया टाइम टी, तो उसने एवरेज के लिए आपको सॉरी ये सेकेंड वाला ये देखते हैं आर टी टू एंड आर टी वन, तो इसका मतलब टी टू का मतलब फाइनल और टी वन का मतलब इनिशियल, यानी कि ये हमें दे रहा है वी एवरेज जो दिया है इसने, उसने कहा है कि ये फाइनल पोजीशन है, मतलब ये जो स्टार्टिंग में दिया गया यानी कि उसको हम आर फाइनल या एस फाइनल लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया आर इनिशियल और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन, तो उसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो फाइनल माइनस इनिशियल होता है इसको हम नेट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, नेट डिस्प्लेसमेंट और अपॉन ये क्या हो गया टाइम इंटरवल, ये भी तो पढ़ चुके हैं ना टाइम इंटरवल। अब इसके बाद जो तीसरा है वो देखते हैं, तीसरे में अगर आप देखो तो इसमें एवरेज नहीं लिखा गया, ये इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मेट हो गया, तो इंस्टेंटेनियस में वी नॉट का मतलब इनिशियल और वी टी का मतलब आफ्टर टाइम टी या फाइनल, तो यानी कि ये लिखा हुआ है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो उन्हीं के सिंबल सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड कर दिए गए तो देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा, लेकिन है वो वही जो कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला देखो ये फाइनल पोजीशन है तो जिसको हम एस लिखते हैं, ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, लेकिन इसमें आर नॉट इसने जोड़ दिया तो इसको हम अभी बता दे रहे हैं क्या है, ये एस नॉट हमने लिख दिया यहां पर, और फिर ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको भी थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया यू टी प्लस हाफ ए टी। और इसके बाद ये वाले पार्ट में देखते हैं, ये एक्चुअल में एस नॉट क्या है, ये इनिशियल है, मतलब जैसे कोई भी बॉडी अगर पहले से वो ओरिजिन पर नहीं है बल्कि थोड़ा सा पहले मूव कर चुकी है, जैसे कि कैलकुलस में क्वेश्चन में था, ठीक है, कि वो आपके यहाँ जो पूछा गया था क्वेश्चन तो उसमें हमने टी इज इक्वल टू जीरो निकाला था, तो जीरो पर जिसमें वो 56 और 16 आंसर आ रहा था, तो 56 आया था लेकिन आंसर हमें टिक करना था 16, तो उसमें क्या था वो इनिशियल वाला था ना, उसको हमें वहां पर जोड़ना था, ठीक है, मतलब वो पहले से अज्यूम करना था कि ये भी है और बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर देना था, तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल पोजीशन उसकी कहां पर है, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, बाकी इक्वेशन वही है यूटी प्लस हाफ एट इसका। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में है ए एवरेज, ए एवरेज एवरेज अगर आप देखो तो ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और डिवाइडेड बाई टी टू माइनस T1, और ये क्या हो गया डेल्टा V, और ये क्या हो गया, तो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है, वही सारी चीजें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया गया था, तो अब इसका आंसर हमें बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब यहां पर है जो देखने में लग रहा है वो तो ये लग रहा है कि यहाँ पर सभी करेक्ट हैं, ऑल आर ट्रू, तो देखा जाए तो हमें लगता है कि पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि हर चीज़ तो पढ़ी हुई है ना, इसमें कुछ गलत तो है नहीं, और वाकई गलत भी नहीं है, इसमें गलत कुछ नहीं, सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है उसमें आप देखो क्या दिया है उसने, फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन, ठीक है,
आर्बिटरी मोशन, आर्बिटरी टर्म का मतलब होता है रैंडम, किसी भी तरह का वो मोशन हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन है कि प्लेनर मोशन है कि कौन सा मोशन है हमें नहीं पता, कैसा भी आर्बिटरी मोशन यहाँ पर हो सकता है। तो फॉर एनी आर्बिटरी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, मतलब को जाना है स्पेस में तो वो सीधा भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, और वो इस तरीके से भी ऐसे करके भी जा सकता है, ठीक है। मतलब आर्बिटरी मोशन का मतलब क्या हुआ, रैंडम, कैसा भी मोशन हो सकता है, किसी भी तरह से जा सकता है। तो अगर वो कैसा भी मोशन है तो उसके लिए आपसे यहां पर पूछा गया क्वेश्चन। तो हमें ये पता है कि जो ये फार्मूला निकला है, इस फार्मूले में कंडीशन थी एक्सलेशन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन था ना। आर्बिटरी मोशन का मतलब कुछ भी एक्सलेशन भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, हमें नहीं पता। तो ये कॉन्स्टेंट एक्सलेशन की कंडीशन में था। ये जो यहां पर फार्मूला है, ये a के बाद c, v is equal to u plus at, ये भी एक्सलेशन कॉन्स्टेंट होगा तभी तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं। मतलब यहां पर भी ये इक्वेशन अप्लाई करने के लिए a, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, a कॉन्स्टेंट होना चाहिए, और इसमें भी एक्सलेशन क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट एक्सलेशन के लिए ही एप्लीकेबल होगी इक्वेशन। ऐसे ही इन इस वाली इक्वेशन को देखो अगर, तो ये भी यहां पर जो है ये a इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट के लिए रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एवरेज वेलोसिटी में अप्लाई करते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल जो है वो तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं ना, उसके लिए तो आपको कुछ बताया नहीं गया था भाई। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल जो है उसमें तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसमें भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि ये जो बी वाला पार्ट है ये यहां पर सही होगा, ठीक है। और एवरेज एक्सलेशन डेल्टा वी पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को तो एक्सलेशन बोलते हैं ना, ठीक है। तो एवरेज एक्सलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी सब सही होते अगर यहां पर आर्बिटरी मोशन ना कहके वो कॉन्स्टेंट एक्सलेशन कह देता, ठीक है, तब तो होते। अगर उसने आर्बिटरी मोशन कह दिया तो ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन वाली कंडीशन है वो सही नहीं होगी। तो ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं, आप एक लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूं। तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, ओनली बी एंड ई आर ट्रू, ठीक है, सिर्फ यही यहां पर करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये डेफिनेशन है बी और ई, बाकी यहां पर करेक्ट नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे यहां पर ओनली बी एंड ई आर ट्रू, ओनली बी एंड ई आर ट्रू आर ट्रू। आगे लिखेंगे उसी में एंड एंड ए सी एंड डी एंड ए सी एंड डी आर फॉल्स, आर फॉल्स बिकॉज बिकॉज दीज आर ट्रू, दीज आर ट्रू ओनली फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, only for uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion and not for any arbitrary motion, and not for any arbitrary motion, एनी आर्बिटेरी मोशन, ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो ये सब लिखने की तो जरूरत है नहीं, वो तो वही चीज हमने बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने के लिए लिखा था। बाकी हमें यहां से क्लियर हो गया था कि ये जो है सेकंड वाला और ये वाला, ये दोनों डेफिनेशंस थे, ये फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल होता है और ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन अपॉन टाइम इंटरवल होता है। लेकिन बाकी ये जो ए वाला है या ये जो सी वाला है और ये जो डी है,
ये सभी तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट हो, तो वो किसी भी तरह से आर्बिटरी मोशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा।